Hi, welcome to my channel. This video will solve question number 3. X is 5% of y, y is 24% of z. If x is equal to 480, find the values of y and z. यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, x is 5% of y and y is 24% of z. इन दोनों से हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है? देखिए, लिखा है x is 5% of y, तो इसको हम as it is लिख लेंगे. It implies, हम यहाँ लिख सकते हैं, x is का मतलब होता है equal to, ठीक है? मतलब x जो है बराबर है, x है equal to किसके 5% of y. तो 5% of means क्या होता है? Multiply of y. You can write like this. उसके बाद आप जानते ही हो 5% दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो 5/100 into y. तो हमें मिल गया हमें एक equation. ओके, y is 24% of z. तो यहाँ पर भी हम इक्वेशन बना लेंगे इस तरीके से. इट इम्प्लाइज y इज मीन्स इक्वल टू 24% इज 24/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई z. सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड में यहाँ से वैल्यू दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू 480. सो हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे पहले. सो पुटिंग x इज इक्वल टू 480 इन फर्स्ट वी गेट, तो हमें इतना मिल जाएगा. नाउ अब यहाँ पे 5/100 को हम ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो हमने लिख दिया ऐसे, देखिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें और 5 से डिवाइड हो जाएगा. तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 5 से डिवाइड कर दिया. सो यहाँ से 5 × 5, 5 × 9 = 45 एंड 5 × 6 = 30. सो 96 हुआ यहाँ पे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा आपको 9600. सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड वी गेट, तो y की वैल्यू यहाँ पर जो हमने फाइंड किया है इसको हम पुट कर लेंगे यहाँ पर और z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इट इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 9600 मल्टीप्लाइड बाई 100. यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 4 = 8. मल्टीप्लाई करेंगे 400 से 100 में मिल जाएगा आपको. सो दिस इज योर आंसर फॉर द सेकेंड वन. तो हमें यही दोनों वैल्यू फाइंड करना था. तो होप के आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. यदि आपको अच्छा लगा सोल्यूशन तो बिल्कुल लाइक कर सकते हैं आप इस वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं. और यदि कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.